HTML बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग डिफाइंस द मेन कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट विच डिस्प्लेस ऑन द ब्राउजर. इट कैन कंटेन टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, इमेजेस, टेबल्स, वीडियोस, लिंक्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब देखिए, जब भी हम लोग कोई भी HTML डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और दूसरा बॉडी सेक्शन होता है. तो हेड सेक्शन में जितने भी हम लोग पेज से जो भी लिंक हम लोग करते हैं या हेडिंग हम लोग उसमें देते हैं, मीन्स उस पेज के बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है, वो सारे डिटेल्स होती है. लेकिन जो हमारा मेन कंटेंट होता है, जो हमारा मेन कंटेंट होगा, वो इस बॉडी टैग के अंदर में होगा. बॉडी टैग के अंदर में ही हम लोग क्या करते हैं, मेन कंटेंट हम लोग अपना रखते हैं. और इस कंटेंट में क्या क्या हो सकता है, इसमें टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, इसमें पैराग्राफ्स हो सकता है, हेडिंग्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है. तो हम लोग इस बॉडी टैग के अंदर बहुत सारी टाइप के कंटेंट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे टाइप के कंटेंट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं. द बॉडी मस्ट बी द सेकेंड एलिमेंट आफ्टर द हेड टैग और इट शुड बी प्लेस बिटवीन हेड एंड HTML टैग्स. दिस टैग इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी HTML डॉक्यूमेंट एंड शुड ओनली यूज वंस इन द होल डॉक्यूमेंट, होल HTML डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जो बॉडी टैग यूज करेंगे वो कहाँ पे यूज करेंगे, हेड टैग के बाद में और HTML के क्लोजिंग टैग के पहले, ठीक है, उन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, जैसे ये हेड का क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है, हेड ओपन हुआ, हेड क्लोज हुआ, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं HTML का क्लोजिंग टैग. ठीक है, इसके बीच में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, अब वो कैसे लिखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में एक बार देख चुके हैं, फिर से मैं यहाँ पे बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और वहां पे कैसे यूज किया जाता है. तो हम लोग इसका सिंटेक्स यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिंटेक्स हम लोग फॉलो करते हैं. हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, ओपन करते हैं, हम लोग अपना पूरा कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं और लास्ट में इस बॉडी को क्लोज कर लेते हैं. ठीक है, ये इसका सिंटेक्स फॉलो हम लोग करते हैं. तो जो बॉडी टैग होता है उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्टार्ट टैग, एंड टैग, ठीक है, बोथ स्टार्ट एंड एंड टैग यहाँ पे हम लोग इन लाइन लिखते हैं. इन लाइन मतलब हम लोग एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर में ही लिखेंगे इसको. ठीक है, और जब भी हम लोग इसको लिखते हैं तो उसका यूसेज जो होता है स्ट्रक्चरल होता है. स्ट्रक्चरल मतलब ये बॉडी जो होता है, मान के चलो कोई भी एक वेब पेज हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, वेब पेज जब हम लोग उसको डिजाइन करेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी टैग के अंदर हम लोग सारे एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे, जैसे टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिंक्स है, वीडियोस है, ऑडियो है, टेबल्स है, बहुत सारी चीजें इसमें जो हम लोग लिखेंगे, वो सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे हमेशा. तो इसीलिए जो हम लोग बॉडी टैग जो लिखते हैं वो स्ट्रक्चरल होता है. तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने स्टार्ट किया HTML टैग. ठीक है, इस HTML टैग के अंदर में ही सारा हम लोग को स्टोरी लिखना होता है. तो HTML टैग यहाँ पे ओपन किया और लास्ट में ये क्लोज हुआ है, लास्ट में ये क्लोज हो गया है. फिर उसके बाद हेड टैग है, हेड टैग ओपन हुआ और हेड टैग क्लोज हुआ. ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे टाइटल टैग लिखा है. ठीक है, टाइटल टैग में हमने एक टाइटल दे दिया बॉडी टैग. ठीक है, अब हेड यहाँ पे क्लोज हो चुका है. ठीक है, हेड यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हो गया है. क्लोजिंग के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी. ठीक है, जो बॉडी टैग है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और HTML के क्लोजिंग टैग के पहले में इसको क्लोज करना है. ठीक है, मतलब HTML के अंदर हम लोग के पास दो चीजें, एक हेड है और एक बॉडी है, दो ही चीजें होंगी हमेशा, इसके अलावा और कुछ भी इसके अंदर नहीं होता है. जितने HTML डॉक्यूमेंट होंगे उसके अंदर दो ही चीजें होंगी, हेड टैग होगा और बॉडी टैग होगा. ठीक है, और दोनों हेड टैग और बॉडी टैग जो है वो HTML टैग के अंदर में होगा. ठीक है,
तो यहाँ पे इस बॉडी की टैग के अंदर में हमने एक सबसे पहले एक टैग लिया H2 टैग, ठीक है, ये एक हेडिंग टैग है और यहाँ पे हमने लिख लिया एग्जाम्पल ऑफ बॉडी टैग, ठीक है, और H2 को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर उसका एक पैराग्राफ टैग हमने लिया, दिस पैराग्राफ इज रिटन बिटवीन द बॉडी टैग, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, और लास्ट में हमारे पास जो हमारा कंटेंट था वो लिखना हो गया, और यहाँ पे हम लोग इसको बॉडी को क्लोज कर दिया और लास्ट में HTML को क्लोज कर दी, ठीक है। तो आउटपुट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा जब हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है, रन करके हम लोग इसको देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैं सेम इसको रन करता हूँ यहाँ पे, मैं सेम चीज कॉपी करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में, और यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो एक HTML डॉक्यूमेंट हमने अभी अभी जो एग्जांपल में देखा वही चीज है यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे रन करके एक बार देखेंगे ताकि हम लोग अच्छे से समझ जाए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैं इसको कर लेता हूँ सबसे पहले सेव, मैं इसको करता हूँ सेव, और ये HTML PGDC के अंदर हम लोग यहाँ पे करेंगे बॉडी टैग डॉट HTML, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। इस चीज को हम लोग हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं इसको सेव कर दिया वापस से और इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये बॉडी टैग हमारा HTML फाइल रेडी हो चुका है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि टाइटल में आ रहा है बॉडी टैग, जो हमने यहाँ टाइटल डिफाइन किया बॉडी टैग, और यहाँ टाइटल में भी हम लोग को बॉडी टैग दिख रहा है। ये हेड सेक्शन था, हेड सेक्शन जो है वो इस HTML के अंदर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ बॉडी हमने लिखा, बॉडी जो है बॉडी के अंदर में H2 है और पैराग्राफ टैग है, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। अब हम लोग इस बॉडी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 प्रकार के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट में हम लोग आते हैं और यहाँ पे कुछ टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, हर टैग के लिए अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे आता है ए लिंक। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लिंक, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू इसकी होती है कलर, वैल्यू क्या होती है इसकी, कलर होती है, ठीक है। HTML में कलर की स्पेलिंग अलग होती है, COLOR यहाँ पे बोला जाता है, COLOUR नहीं बोला जाता है, ठीक है। बहुत सभी जगह पे आप लोग देखोगे, कहीं जहां पे भी हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां कलर की स्पेलिंग COLOR ही होती है, अब क्यों पता नहीं लेकिन ऐसे ही होता है, ठीक है। इट डिफाइंस द कलर ऑफ द एक्टिव लिंक इन ए डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक्टिव लिंक का मतलब क्या है, जब हम लोग लिंक्स पढ़ेंगे तो वहां पे दो टाइप के हम लोग लिंक्स देखेंगे, एक्टिव लिंक, एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक, ठीक है। दो टाइप के लिंक्स वहां पे हम लोग देखेंगे, एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिंक अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव लिंक, ठीक है। एक्टिव लिंक मतलब वो होता है, एक ऐसा लिंक होता है जो कि विजिट नहीं किया गया है। लाइक यहाँ पे मान के चलो मैं कोई भी एक ओपन करता हूँ, कोई भी एक लिंक ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ गूगल,
ठीक है, मैंने गूगल ओपन किया, यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी टैग, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लिंक आया। ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लिंक है अभी, ठीक है, ये जो लिंक हमें अभी दिख रहा है वो अभी ब्लू कलर में है, ठीक है, इसका मतलब ये एक्टिव लिंक है। मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखो हैंड का एक टूल आ जा रहा है और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बैक करता हूँ, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा पर्पल कलर में हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। जूम करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग को अब इसका कलर ब्लू नहीं दिख रहा है, हल्का सा पर्पल दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है विजिटेड लिंक है, दोनों का कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्टिव लिंक होगा तो ब्लू कलर में दिखेगा, अगर वो एक बार विजिट कर लिया गया है तो वो पर्पल कलर में हो जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप के लिंक होते हैं, एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक। विजिटेड लिंक उसको कब बोलेंगे, तब जब हम लोग उसको एक बार क्लिक कर चुके हैं, ठीक है, तब उस केस पे हम लोग क्या बोलेंगे, विजिटेड लिंक, ठीक है। वापस हम लोग इसमें आते हैं, नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड। नेक्स्ट हमारा आता है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में हम लोग को एक यूआरएल देना होता है। यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इट डिटरमाइंस द बैकग्राउंड इमेज फॉर द डॉक्यूमेंट। पूरे वेब पेज में हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगाते हैं मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये बॉडी टैग वाला जो पेज है हमारा ओपन है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये बॉडी जो जस्ट हमने लिखा है उस पर एंगल ब्रैकेट क्लोज किया, वहां पे हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड हम लोग लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, डबल कोट लगाएंगे, और डबल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे यू आर एल देंगे। क्या देंगे, यू आर एल। यू आर एल का मतलब होता है कि हम लोग को इमेज का पाथ देना होगा, ठीक है। हम लोग इस यू आर एल के अंदर मान के चलो मैं यहाँ पे ग्रीन नाम का एक इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं इसका क्या करता हूँ, पाथ कॉपी करता हूँ। पाथ कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पाथ दिख रहा है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर न्यू वॉल्यूम डी है और उसके अंदर यहाँ पे एच टी एम एल पी जी डी से, उसके बाद ब्लैंक वाले पोर्शन पे हम लोग को क्लिक करना है, फिर उसके बाद इसका फुल पाथ यहाँ से आ जाएगा, सिलेक्टेड रहेगा पहले से, कुछ नहीं करना है हम लोग को, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और कॉपी कर लेना है। कॉपी हम लोग करेंगे, उसके बाद वापस हम लोग को इस कोडिंग में आना है और इस डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिए, उसके बाद हम लोग को इस टाइप पे बैकवर्ड स्लैश लगाना है, बैक स्लैश लगाना है इस प्रकार का, मतलब ये पीजी एच टी एम एल पी जी डी सी के अंदर ग्रीन नाम का ये जो दिख रहा है हम लोग का यहाँ पे, ये इमेज अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सेम ऐसे जैसा नाम लिखा है स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखूंगा ग्रीन डॉट जेपीजी। जेपीजी फॉर्मेट में है ये, तो मैं ऐसे तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जेपीजी फॉर्मेट में है कि नहीं है। मैं इस इमेज पे राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, ये वाली प्रॉपर्टीज में नीचे में गया और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसका एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी, ठीक है। तो डॉट जेपीजी हम लोग को लिखना अनिवार्य होता है, तभी ये इमेज जो है लोड लेगा। अगर हम लोग जेपीईजी लिख लेंगे या फिर नहीं लिखेंगे तो ये लोड नहीं लेगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया, फाइल में जाके सेव, ठीक है, सेव कर दी। और यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमारा बॉडी टैग का पेज ओपन है, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा एक बार, यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो इमेज था वो हमारा इस बॉडी बैकग्राउंड पे आ चुका है। मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इमेज जो था वो काफी बड़ा था और ये पूरा जो हमारे पेज में है वो सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड इमेज अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे जो बीजी कलर हमारा एट्रीब्यूट है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, कलर होगी, इट डिटरमाइंस द बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंटेंट। किसी भी कंटेंट के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, तो अब कैसे दे सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस बैकग्राउंड को फिलहाल के लिए भी हटा देता हूँ और मैं इसके जगह पे लिखूंगा बीजी कलर। बीजी कलर मैं यहाँ पे दूंगा और मैंने यहाँ बीजी कलर लिख लिया, इक्वल टू मैं यहाँ पे डबल कोट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। ठीक है, कलर में मैं यहाँ पे देता हूँ येलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे येलो लिख लिया, मैं इसको सेव करूंगा, फाइल में गया, सेव कर लिया और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा। तो यहाँ पे हम लोग पेज को देख सकते हैं कि येलो कलर में हो गया, पूरा का पूरा येलो कलर में अभी। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा ये पेज जो है इसका कंटेंट येलो कलर में हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, येलो कलर में हम लोग को दिख रहा है, हम लोग चाहे इसको कर लें ग्रीन। ठीक है, मैं आके रिफ्रेश करता हूँ तो ग्रीन कलर में हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं अगर इसको ब्लू करना चाहता हूँ तो ब्लू कलर में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें बार बार कलर चेंज कर सकते हैं, कितने बार भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक करना चाहो तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कितने बार भी हम लोग कलर दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अलग अलग कलर्स भी होते हैं। और अगर हम लोग को एग्जैक्ट कलर चाहिए, जैसे हम लोग को मान के चलो कोई भी, ठीक है, तो हम लोग के पास एक कलर पिकर अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। नेट पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कलर पिकर, कलर पिकर। ठीक है, यहीं पे गूगल में हम लोग को मिल जाएगा कलर पिकर। यहाँ पर हम लोग यहाँ स्लाइड करके हम लोग अपना मन चाहा कलर भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मुझे ये वाला कलर पसंद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो हेक्स वैल्यू है यहाँ पे, ठीक ये जो हेक्स वैल्यू है ये चेंज होती है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे मान के चलो ये वाला कलर बहुत काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, या फिर ब्लू वाला कलर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका हेक्स कोड यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे इस डबल कोट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो फिर वापस इस बॉडी वाले बॉडी टैग डॉट एच टी एम एल पेज के अंदर आएंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो इस कलर में हो जाएगा। तो हम लोग जरूरी नहीं यहाँ रेड ग्रीन ब्लू ही लिखे, हम लोग इस प्रकार का कलर पिकर से हम लोग एक हेक्स कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये रेड ग्रीन और ब्लू में होता है। ठीक है, आरजीबी के कॉम्बिनेशन पे हम लोग एक कलर यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, आरजीबी मतलब होता है रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, आरजीबी यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, इसका वैल्यू है रेड की 63, ग्रीन की 86 और ब्लू की है 176। तो ये आरजीबी जो अगर हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, टीवी हो, या फिर लैपटॉप की स्क्रीन हो, या मोबाइल की स्क्रीन हो, जब भी हम लोग कलर देखते हैं, ठीक है, तो वो आरजीबी में होता है। जब हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, हम लोग उसको पेपर में देखते हैं, या बैनर में देखते हैं, पोस्टर में देखते हैं, ठीक है, तो वो उस में उसका कलर गैमेट जो होता है सी एम वाई के होता है। ठीक है, क्या होता है, सी एम वाई के। तो प्रिंट मीडिया जितने भी होते हैं वो सी एम वाई के यूज करते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कोई भी डिजिटल डिवाइस में हम लोग देखते हैं, डिजिटल डिवाइस मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल फोन और जितने भी डिजिटल स्क्रीन वाले जो डिवाइसेस होते हैं, सब में आरजीबी के ही कॉम्बिनेशन में कलर गैमेट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आज के डेट पे 1000 मिलियंस कलर्स या फिर 1600 मिलियन कलर्स जो है वो अवेलेबल है आज के डेट में। ठीक है, तो जितने भी हम लोग चाहे यहाँ से कलर पिक करके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और उसका अलग अलग हेक्स कोड यहाँ पे जनरेट होता जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्लू में ही हम लोगों कितने सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो मैं अगर कलर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से जो भी हम लोगों को कलर चाहिए। तो हम लोग मुझे ये वाला कलर पसंद आ रहा है तो मैं इसका हेक्स कोड यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस बीजी कलर में और मैं इसको कर दूंगा सेव। ठीक है, सेव करने के लिए फाइल में चले जाएंगे, सेव करेंगे और यहाँ इस HTML पेज में आके रिफ्रेश कर दूंगे तो सेम वही कलर आ जाएगा। ठीक है, तो बीजी कलर यहाँ पे हम लोग किसी भी कंटेंट के बैकग्राउंड के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मोबाइल को, चलाना मना है, चाहे कुछ भी हो। अगर हम लोग को एग्जैक्ट कोड नहीं पता है तो हम लोग कलर पिकर से भी यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, कलर पिकर फ्रीली अवेलेबल होता है, बस हम लोग को गूगल में सर्च करना है कलर पिकर तो हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, मोबाइल में मिल जाएगा, कंप्यूटर में चाहो तो मिल जाएगा, इस टाइप से अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो गया है, कोई भी कलर्स हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स हम लोग को मिल सकते हैं। बस सिलेक्ट करना है हेक्स कोड को, ये हेक्स वाले को कोड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, RGB वगैरह ये सब हाथ ही नहीं लगाना, सिर्फ हेक्स कोड को कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट करो, बस। तो वही सेम कलर हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेम कलर मिलता है, अब वो डिपेंड करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, स्क्रीन में अगर कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा किया गया है तो बहुत अच्छा दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे आईफोन्स होते हैं, आईफोन्स में कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं आजकल के, जितने HD स्क्रीन, फुल HD स्क्रीन, ठीक है 2K स्क्रीन तक आ गया है, तो उसमें बहुत अच्छे कलर्स दिखते हैं। ठीक है, वो सरकारी फोन में अगर हम लोग देखेंगे जो माइक्रोमैक्स का घटिया सा फोन रहता है तो उसमें वो कलर वालर बहुत अच्छा नहीं दिखता, बहुत बेकार से दिखता है, तो हम लोग का एग्जैक्ट कलर वहाँ पता नहीं चल पाता है। ठीक है, या फिर जो पुराने जमाने के जो स्क्रीन्स होते थे पुराने कंप्यूटर से, वहाँ पे भी अच्छा सा कलर्स नहीं दिखते थे। ठीक है, वैसे अभी जो मेरे लैपटॉप में कलर्स आप लोग को दिख रहा है वो अलग दिख रहा होगा, मोबाइल में अलग दिख रहा होगा। ठीक है, ये काफ़ी ब्राइट दिख रहा होगा अभी मोबाइल में अगर देख रहे होंगे तो। ठीक है, लेकिन मेरे लैपटॉप में बहुत डल कलर दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी कंटेंट के लिए हम लोग बैकग्राउंड डिसाइड कर सकते हैं।